नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने जा रही है, उसी को लेकर जेपी नड्डा आए हुए हैं। पटना में उनका भव्य रोड शो भी प्लान किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां आपने पहले भी देखी। लेकिन जैसे ही जेपी नड्डा पटना आए, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका काफ़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत बीजेपी के कई वरीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। उनके कई लोगों ने पैर भी छुए, कई लोगों ने नमस्कार भी किया। आप देख सकते हैं कि मंगल पांडे भी पहुंचे हुए हैं, रामकृपाल यादव आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे, इसके अलावे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आपको नज़र आ रहे होंगे। कई बड़े नेता जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे। शॉल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। जेपी नड्डा का जो भव्य रोड शो होने वाला है, उसकी तैयारियों की जो झलक है आपने पहले भी देखी। आज पूरा पटना जो है वो भाजपा के झंडे से पटा हुआ है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, अलग अलग नेताओं की तरफ से ये पोस्टर्स लगे हैं, जिसमें वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं और अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह कल पटना आएंगे, आज जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उनका रोड शो शुरू होगा और ये जो है जेपी गोलंबर तक भी पहुंचने वाले हैं। जेपी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे जेपी नड्डा और अलग अलग जगहों पर जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश नज़र आ रहा है। आदिवासी समाज की महिलाएं भी आपको तस्वीरों में नृत्य करती हुई दिखाई दे रही होंगी। ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत हो रहा है और बीजेपी कार्यालय का जो माहौल फिलहाल बना हुआ है वो तो बिल्कुल ही अलग है। बीजेपी कार्यालय में ऐसा लग रहा है कि कोई जश्न हो रहा हो। जगह जगह पर बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं जेपी नड्डा के स्वागत के लिए। इसके अलावा अमित शाह तो कल आने वाले हैं, उनके स्वागत को लेकर भी पोस्टर्स लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा जो है वो एयरपोर्ट से निकल भी गए हैं और अब वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे। उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है रोड शो का वो शुरू हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट के पास जो भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है उसके ऊपर माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद वहाँ से भव्य रोड शो की शुरुआत होगी। रोड के किनारे जगह जगह पर मंच बनाए गए हैं जहां से फूलों की बारिश की जाएगी। जगह जगह झंडे लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने जो तैयारियां की है हमने आपको उसकी झलक पहले भी दिखाई थी और आज भी आपको वो नज़ारा देखने को मिलेगा। पूरा पटना जो है वो भाजपा के झंडे से भरा हुआ है और जेपी नड्डा के स्वागत के लिए तमाम चीज़ें की गई हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुँच गए हैं। अब इंतज़ार है कि रोड शो कैसा होने वाला है। जितनी भव्य तैयारियाँ हुई हैं, क्या उतना भव्य रोड शो होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।